हेलो फ्रेंड्स, जीके करंट अफेयर सर्कल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और नोट याद कर सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं टॉप 20 क्वेश्चन के बाद एक 21 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80%, ऑप्शन डी 80% पहला का। फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है, ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, बी 98 डिग्री फॉरेनहाइट, सी 68 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन डी 66 डिग्री फॉरेनहाइट। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप खुद से कर पाए पॉज करने के बाद। आप उसके बाद आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप स्कोर कर पाए, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेटर ही रहेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन टू का हो जाएगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, तो इसका ए है उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में आहार भोजन मुख्यतः पचता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पालंग, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी दूध। तो मनुष्य लोहा प्राप्त करता है यानी आयरन प्राप्त करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालक से, इसका आंसर ऑप्शन बी पालक। क्वेश्चन नंबर फाइव, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो ए ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका आंसर बी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन सेवन की ओर बढ़ते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी आंत। तो इसका आंसर मुंह होगा, मुंह। क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर एट का हो जाएगा सी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन नाइन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 64। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 72 स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 72, तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का। फिर क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बढ़ते हैं, सर्वदाता रुधिर वर यानी यूनिवर्सल डोनर जो कि ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ओ ए बी बी ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए बी सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ए और बी को, ऑप्शन बी केवल ए बी को, ऑप्शन सी ए बी एवं ओ को, डी इन सभी को।
इसका आंसर केवल एबी ग्रुप वाला व्यक्ति को खून दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए रक्त समूह को, ऑप्शन बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या ऑप्शन डी सभी रक्त समूहों को। तो ओ रक्त समूह वाले आदमी सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को खून दान कर सकता है। तो इसका इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका ऑप्शन है एड्रिनल, एड्रिनल हो जाएगा इसका, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, ए ड्री नल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्रोमोजोम यानी गुण सूत्रों की संख्या होती है 40, 42, 44, 46। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 46, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है यानी गुण सूत्रों की संख्या 46 होगा, इसका ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, इंसुलिन के बेरी बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो इसका आंसर डायबिटीज हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इसका 5, 7, 6, 8। तो इस ऑप्शन में से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इस क्वेश्चन में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी है, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी हड्डी, स्टेपीज, और आपको कमेंट करके बताना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 19 का ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। तो इसका आंसर डी आयरन, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में उपस्थित रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 21, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन के थैंक फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।